गरियाबंद जिले में मैनपुर के कुल्हाड़ी घाट रेंज में ओडिशा सीमा से लगी पहाड़ी पर रविवार की सुबह सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जहां सीएएफ के एक जवान युवराज सागर को गोली लगी, गोली जवान के पेट पसली में लगी है। वहीं कई नक्सलियों के भी घायल होने की जानकारी मिली है। बहरहाल घायल जवान को रायपुर के हॉस्पिटल में बेहतर उपचार हेतु रायपुर से हेलीकॉप्टर बुलवाकर घायल जवान को रायपुर भिजवा दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। वही नक्सली भी ओडिशा की ओर भाग निकले हैं। देखिए, कल एक सूचना पे छत्तीसगढ़ पुलिस की जो एसटीएफ की टीम है वो कल रात लॉन्च हुई थी। देवडोंगर जोब का जनरल इलाके में सूचना मिली थी। सूचना पे पार्टियां जो है एसटीएफ की पार्टियां रात में इंटक्ट हुई थी और आज सुबह सुबह नक्सलियों के साथ जहां उनकी उपस्थिति थी वहां फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान एक एसटीएफ का जवान युवराज सागर जो है वो घायल हुआ है। उसके एब्डोमिनल में गोली लगी। उसके तुरंत बाद फोर्स ने रिटेलिएट किया और नक्सली लेकिन घने जंगल पहाड़ी का रास्ता लेके भागने में सफल हुए, उड़ीसा की ओर भागे हैं। उड़ीसा पुलिस से संपर्क किया गया है। उड़ीसा पुलिस ने अपने इलाके में कॉर्डन लगाया हुआ है। बहरहाल जवान को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया है और अभी यहाँ हेलीकॉप्टर से उसको बेहतर इलाज के लिए रामकृष्ण अस्पताल भेजा गया है। जवान ठीक है और मौके पर जो है और DRG और CRPF की पार्टियाँ जो है वो भेजी गई। नक्सली उनका जो सामान मिला है उस हिसाब से उनकी संख्या 15 से 20 के बीच रही होगी और उड़ीसा के साइड से इनका मूवमेंट हुआ और ये मूवमेंट की खबर मिली उस खबर पे ही ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। अभी तक किसी की डेड बॉडी नहीं मिली है जी। बहरहाल जो दूसरी जो फोर्सेस रवाना हुई है वो उन्होंने मौके पे वो सर्चिंग वगैरह कर रहे हैं।